रविवार को केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय है और विपक्ष द्वारा सवाल किया जाता था, जिसमें एक बार नीतीश ने पूछा था कि मंदिर का तारीख क्या बता। अब सभी को पता है कि 22 जनवरी की तिथि तय है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के मामले के समय सभी ने कोर्ट के मामले की बात कही थी और आज सभी लोग जिसमें मुस्लिम चुनाव में उन्होंने भी न्यायालय का इन लोगों को जनता जवाब देगी पर बता दें कि प्रेम मेथी नहीं मिलेगा, घास चबाना पड़ेगा जो लोग इस तरह का बयान देते। गमछा देकर और फल की टोकरी। मेरा सवाल था कि सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है लगातार, जो उन्होंने दावा किया था, उनका कहना है कि हम नौकरी दे रहे हैं लोगों को, तो क्या लगता है कि 25 में कुछ बदलाव होगा या फिर नहीं? 25 में भजन लाल जी की तरह, मोहन यादव की तरह, साय साहब की तरह कोई बीजेपी का कार्यकर्ता छाती पे कमल का फूल लगा के एक मने अन्य मार्ग में जाएगा और बीजेपी की सरकार बने, जनता नियुक्ति पत्र दे देगी, जनता दे देगी भाजपा को नियुक्ति पत्र। अरे 35 साल में तो इनको कुछ मिला नहीं, ये अब नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है 25 में इन लोगों को। सर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ रुख करेंगे और दल बदलेंगे। कौन अटकल लगा रहा है? हम लोग तो कहीं से अटकल नहीं लगा रहे, हम लोग तो एक एक सीट पर कार्यकर्ता को पूछिए, अध्यक्ष जी से फुर्सते नहीं, दिन रात कार्यक्रम। हम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे, हम लोग तो राम मंदिर का निमंत्रण भी दे रहे, कहां फुर्सत है? तो बीजेपी की तरफ से खारिज किया जाता है क्या खारिज? अगर नीतीश कुमार हम बीजेपी में अगर शामिल होना चाहते हैं, गठबंधन में जाना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी उनको फिर वापस शामिल करेगी अपने गठबंधन? ये तो ऐसे ही सवाल है कि राहुल गांधी आना चाहते हैं तो क्या आप शामिल करेंगे? तो पार्टी में गठबंधन तो हमारा हुआ हुआ है, अब पार्टी में कोई मिस कॉल मार दे और कहे कि कमल का फूल लगाना चाहते तो कोई भी कार्यकर्ता आते ही हैं, जदयू से, राजद से, कांग्रेस से, बहुत से कार्यकर्ता बीजेपी में जो हमारे साथ आता है वो पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करता है। तो कार्यकर्ता के रूप में स्वागत होगा किसका? नीतीश कुमार अगर आना चाहेंगे। ये तो आपका सवाल है ना, ना उन्होंने कोई आने की इच्छा दी है ना हमने रिजेक्ट किया है निमंत्रण, हम तो कोई ये तो हवा का सवाल है। वो तो एनडीए अलायंस में अपना लगे हुए हैं, उनका अलायंस अलग है, हमारा अलायंस अलग है। निमंत्रण की बात हो रही है, तेजस्वी यादव बोले हैं कि राम मंदिर मेरे घर पे भी है और वहाँ पर पूजा पाठ होता रहेगा अयोध्या में। आप तो एक उनका एक ही बयान बता रहे हैं, उनका ये भी बयान है कि अगर बीमार हो गए तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। जी जी, यही ज्यादा चर्चा में, भूख लगेगा घर में तो होता ही है, भूख लगेगा तो मंदिर में खाना मिलेगा, ऐसा भी कुछ बोलेगा। उनको लालू जी से ट्यूशन लेना चाहिए, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए, लेकिन थावे के मंदिर गए थे कि नहीं? अभी खुद ही तेजस्वी यादव जी तिरुपति गए थे कि नहीं? भूख लगी थी क्या? ये तो आस्था जिसकी जैसी होती है वैसा लोग आस्था को मानते हैं, तो ये तुलना करना मंदिर और अस्पताल का ये सही नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आस्था अलग होती लेकिन मंदिर भी रहेगा और अस्पताल भी चलेगा, भोजनालय भी चलेगा, लेकिन उससे मंदिर की प्रतिष्ठा को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है।